लुक नो प्रॉब्लम सॉल्यूशन नंबर 30 नो प्रॉब्लम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्किल ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो ए स्क्वायर तो यू टेक इट इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है सर अब अकॉर्डिंग टू अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना देखो दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो जरा देखिएगा आपका क्या है उसमें आपका नाम कि सर्किल इज पासिंग थ्रू 0 0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट है सर आपका नाम ठीक है एंड इंटरसेप्ट ऑफ ए आपका देखो ए एंड बी ऑन बोथ द एक्सिस यहां पे बोथ द एक्सिस मींस मेरा यहां पे आपका नाम एक्स एक्सिस एंड आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर इट वाई एक्सिस आपका नाम एम आर राइट हो गया सर आपका नाम अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल वो आपके क्या होंगे सर 0 0 हो गया आपका नाम ठीक है ये और आपका जब 0 0 आपने ऊपर स्पेस दिखाया तो एक्स एक्सिस पे होंगे तो ए कॉमा आपका 0 हो जाएगा ठीक है सर और ये कब के ऑन एक्स एक्सिस एम आर राइट सर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्किल ये 0 कॉमा बी ऑन आपका देखो ये वाई एक्सिस फाइन सर इज इट क्लियर हो गया ठीक है इसका मतलब सो द सर्किल विल पास थ्रू 0 0 ए कॉमा 0 एंड 0 कॉमा बी अब ये हो जाएगा पुत्र कोई शक है बताइए तो ना अब देखिए फर्स्ट आपका जो होगा फ्रॉम 0 ये सर्किल आपका पास कर रहा है आपका नाम क्लियर है सर तो ना इसका मतलब एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इससे गॉट अपने ए स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर 1 को मैंने अगेन आई हैव टाइप हियर ठीक हो गया सर अब आपको देखो इसका मतलब 0 0 तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फाइन बड़े नाउ आपका देखो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू बड़े ए स्क्वायर इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर इज आपका नाउ ऑलवेज पॉजिटिव एम राइट सो नाउ बेटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ये तो बेटे आपका नाउ इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ दैट गॉट इट फाइन अब आपका नाउ देखो दिस अब क्या करेंगे आपका नाउ फिर बी फ्रॉम आपका नाम आपका ए कॉमा 0 आपका नाम देखो यानी कि सर्किल इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट आपका नाम इज इट क्लियर उस समय आपका क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पुत्र ठीक है तो ना देखो ए यही रख रहे हैं आपको बेटे ए माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y का मतलब बेटे आपके ना 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइन सर तो अब आपका क्या हो जाएगा बेटे ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू श्योर पुत्र फाइन ये आपके बेटे ये थर्ड इक्वेशन हो बड़े अभी आपका नाम अब सी आपका नाम देखो फ्रॉम आपका नाम देखो 0 कॉमा बी यानी कि द सेंटर इज पास द सर्किल इज पासिंग थ्रू इससे आपका जा रहा है ठीक है अब आपका इसका मतलब वेल एक्स इज इक्वल आपका क्या हो गया बेटे ए सॉरी एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल आपका क्या हो गया बेटा बी तो आपका देखो फिर वही तो ना आपका क्या करेंगे बेटे आप आपका 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बेटे बी माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो ना बेटे एच स्क्वायर यहाँ भी आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर यू आर यूजिंग तो आपका देखो बी स्क्वायर माइनस 2bk और प्लस आपका क्या हो जाएगा बेटा k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर फाइन सर देख लीजिएगा कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइएगा ये आपका दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 ठीक है अब आप क्या करेंगे नाउ सब्स्टिट्यूट द
वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3 में आता है। ये देखिए तो सर ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह में अपने ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फाइन सर ए स्क्वायर ओटी में आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल बेटा आपका ना 2ax तो ए से वन पावर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगी तो नाउ एच की वैल्यू ए अपॉन टू। श्योर सर नाउ अगेन अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर बेटी आपका 4 में फिर आपका यहां रख दीजिएगा बेटा तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह में बेटा ए स्क्वायर हो गया बेटा नौ प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी के इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम आई राइट सो नाउ ए स्क्वायर इज कैंसिल बाय दिस ओके सो नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल आपका ना बेटे टू बी के आपका वन पावर आपका कैंसिल हो गया बेटे तो नाउ बी इज इक्वल टू टू के इज इक्वल टू ये आपका ना बी अपॉन टू श्योर तो नाउ नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एच एंड के इन इक्वेशन नंबर 2 यहां रख दीजिएगा पुत्र ओके सो नाउ एच इज व्हाट बेटे ए बाई टू का होल स्क्वायर वैल्यू में लिख दो बेटा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दिस इज योर इक्वेशन नंबर नाउ प्लस व्हाट इज दिस बी बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा ए स्क्वायर फाइन सो नाउ दिस ए स्क्वायर बाई फोर एंड प्लस बी स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू ए स्क्वायर तो दियर फोर बेटे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ना 4 यू हैव टेकन एलसीएम इफ द सेम डिनोमिनेटर यू हैव सो सेम न्यूमरेटर में क्यों 4 बन जा 4 एंड 1 ए स्क्वायर जा 4 बन जा देखो दिस तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अपन मैंने गड़बड़ तो नहीं किया चेक कर लो आप जरा ठीक है। अब यहां पे कभी कभी क्या हो जाता है बच्चे को उनका सर ए स्क्वायर तो यहां भी काट देते हैं आपका ना अगर ऐसी सिचुएशन आपको कहीं पर लगती है तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर दो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर देख रहे सर आर स्क्वायर ऐसे कर दीजिएगा ठीक है ना तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा बेटा अभी आर स्क्वायर देखो आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा क्लियर। अब ये क्या होगा यहाँ इसलिए बच्चा कंफ्यूज नहीं यार ए कहीं काट दो क्योंकि यहाँ पे ए आपका सेंटर के तो आपका समझ रहे हैं इसका मतलब देखो ना सेंटर ऑफ अ सर्किल आपका क्या होता है एच कॉमा के होती है द वैल्यू ऑफ एच इज व्हाट ए बाई टू एंड दिस बी बाई टू यहाँ पे बेसिकली क्या होता है इंटरसेक्ट हो रहा है स्मॉल ए स्मॉल बी इसलिए आ हमें इसको जो है सर्किल का जो रेडियस है उसको आर लिखना पड़ा गॉट इट तो इसलिए मैंने कहा यहाँ कंफ्यूजन तो जब आप लोगों की आवाज नहीं आती है तो हमें फिर ये तो रेडियस रेडियस आर अभी ये आर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर हो गया और आर अगर आप करेंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये फोर होगा फोर अब स्क्वायर रूट को ऊपर ही रख दीजिएगा ये टू यूनिट आपका ए भी लिख सकते क्लियर है। अब आपने क्या करना है नाउ इक्वेशन तो नाउ इक्वेशन ऑफ अ सर्किल आप कर दीजिएगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का तो ना एक्स माइनस एच इज व्हाट सर ए बाय टू आपका देखो का होल स्क्वायर एंड आपका प्लस वाई माइनस बी बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आर स्क्वायर आर स्क्वायर का मतलब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर इन बोथ द नाउ यू हैव टू यूज आपका नाउ दिस इज द ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड नाउ प्लस बी स्क्वायर दोनों एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू ए बाई टू और प्लस ए स्क्वायर बाई फोर राइट नाउ द प्लस ये आपका वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू बी बाई टू एंड प्लस बी स्क्वायर बाई आपका फोर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर फाइन सर तो ना देखो दिस तो अब आपका टू से टू खलास टू से टू खलास एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, देखिए आपका ओके देख रहे हैं ना, माइनस ए एक्स लिख देते हैं, ए एक्स और माइनस बी वाई, ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर के साथ ओटी में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर बाई फोर आपका क्या होता है, इज इट क्लियर सर ना, तो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्किल व्हेन द सर्किल इज पासिंग थ्रू जीरो जीरो एंड विद द इंटरसेप्ट ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी विद एक्स एंड वाई एक्सिस, श्योर सर इज इट क्लियर, बस अंतर क्या करना है, इंटरसेप्ट की वजह से हमें यहां पे आर स्क्वायर करना पड़ा उसका रेडियस, श्योर प्लीज डू इट प्लीज, थैंक यू, यस 14 वाले का आंसर पुत्र आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, दैट्स गुड, डू इट, वेरी गुड।